Hi everyone, I'm Chavi. Welcome back to Chavi's Notes. So today I have a very interesting case for you. वो केस उस केस में क्या हेल्ड हुआ था, क्या हेल्ड नहीं हुआ था, क्या उस केस में जो है सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस रहे थे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि सपोज देयर इज अ गर्ल एंड अ बॉय एंड उनके बीच में जो है स्टार्टिंग में एक लव अफेयर था एंड स्टार्टिंग में आपको पता है कि सब कुछ सही सही जाता है. सो ऐसा ही उन्हीं के साथ हुआ. जो बॉय और जो गर्ल थे उनकी स्टार्टिंग में रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, लव अफेयर स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग में जो है उन्होंने ठाना कि वो जो है आगे जाके शादी भी करेंगे. सो दे हैव डिसाइडेड दैट यस वी लव ईच अदर सो लेटर ऑन इन द फ्यूचर वील मैरी. जब स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था उन्होंने डिसाइड भी कर लिया कि चलो ठीक है, आई एम अ परफेक्ट मैच फॉर यू, यू आर द परफेक्ट मैच फॉर मी, सो वी विल मैरी इन फ्यूचर. और उसी दौरान दे हैव एंटर्ड इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप विद ईच अदर. बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंस इज कि बॉय जो है मतलब उनकी किसी कारणवश जो है शादी नहीं हो पाती और बॉय जो है मना कर देता है शादी करने के लिए. सो क्या इस ग्राउंड पर जो गर्ल है क्या वो रेप के चार्जेस लगा सकती है अगेंस्ट बॉय? व्हाट डू यू थिंक? पॉज द वीडियो, थिंक एंड देन प्रोसीड. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन वंस अगेन दैट देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल, दे वर इन अ लव अफेयर, दे हैव एंटर्ड इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप एंड देन लेटर ऑन व्हाट हैपेंस इज दैट थिंग्स गो साउथ एंड उनकी नहीं बनी आगे जाके, उनका ब्रेकअप हो गया और वो फिजिकल रिलेशन में भी थे. तो क्या इस ग्राउंड पर वाइफ जो आई एम सो सॉरी नॉट वाइफ जो गर्ल है क्या वो रेप के चार्जेस लगा सकती है अगेंस्ट बॉय? यस और नो? ओके सो कमिंग बैक, आई थिंक दैट यू माइट हैव गेस्ड द आंसर बाय नाउ. ओके सो इस केस में मैं बता देती हूँ कि क्या हुआ था. रिसेंटली जो है राजस्थान हाईकोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि देखो वैसे तो हम जो है हर एक सिचुएशन को जो ना फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेस पे जो है वे करते हैं. सो यहां पर क्या हुआ था कि बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट जो है राजस्थान हाईकोर्ट, हमारे जो ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट है उन्होंने हेल्ड किया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर ऐसे बॉय एंड गर्ल जो है वो लव अफेयर में होते हैं स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा होता है एंड देन लेटर ऑन जो है ब्रेकअप हो जाता है और फिर ऐसे अगर चार्जेस लगने लग जाते हैं, तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि वेदर द गर्ल हु हैज एंटर्ड इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप वेदर शी इज एजुकेटेड और नॉट. अगर एक एजुकेटेड गर्ल है एंड शी नोज व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ व्हाट शी इज डूइंग, इफ शी इज हैविंग द नॉलेज, सब कुछ है उसको पता, तो उस केसेस में जो है गर्ल बिल्कुल भी रेप के चार्जेस जो है नहीं लगा सकती. हाँ देखो कोर्ट ने यहाँ पे ऑनरेबल जो कोर्ट है उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट रेज करा है कि देखो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस एक अलग चीज होती है और फॉल्स प्रॉमिस एक अलग चीज होती है. ठीक है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में और फॉल्स प्रॉमिस में जमीन आसमान का फर्क है. एक तो बात यह है कि ठीक है यू आर एजुकेटेड एंड यू नो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि जो भी एक्ट आप कमिट कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके बावजूद भी आप अगर उस एक्ट ऐसी रिलेशनशिप में एंटर होते हो तो लेटर ऑन आप जो है केस ऐसे फाइल नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर वेल अवेयर. एंड हाँ, अब उस एक्ट के कितने टाइम बाद आप केस फाइल करते हो ये भी बहुत ज्यादा मैटर जो है कोर्ट कंसिडर करते हैं कि अच्छा ठीक है जब आप सब कुछ सही चल रहा था तब तो आपने कोई केस फाइल नहीं करा, जब आपका एक्चुअल में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई, जब एक्चुअल में आपका ब्रेकअप हो गया तब आप कहते हो कि चलो ठीक है जी मैं तेरे को कोर्ट में देखती हूँ. सो ऐसे नहीं होगा. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक ब्यूटीफुल पॉइंट जो कोर्ट ने रेज किया वो ये है कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस और फॉल्स प्रॉमिस में जमीन आसमान का फर्क है. कैसे फर्क है कि देखो एक अगर बाय चांस फॉल्स प्रॉमिस कैसे होती कि अगर कोई इंसान अपने आप को इम्पर्सोनेट कर रहा है या फिर अपनी आइडेंटिटी गलत बता रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो किसी लड़की के साथ जो है रिलेशनशिप में आया है और उसने उस लड़की को झूठ बोल दिया कि देखो आई एम अनमैरिड बट एक्चुअल में ही इज मैरिड, वो वाला केस जो है फ्रॉड का होगा. लेकिन जो हमारा जो प्रेजेंट केस था उसमें बोथ द कपल्स वर अनमैरिड और यहां पर कोई भी फ्रॉड कमिट नहीं किया गया था. सो कोर्ट ने ब्यूटीफुली ये बोला है कि देखो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां पर जो बॉय है उसने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन स्टेट करी है जो एक्चुअल में नहीं है, कि फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो ऑलरेडी मैरिड है और उसने बोला है कि नहीं आई एम अनमैरिड, उसके बावजूद जो है वो रिलेशनशिप में आया है, तो वो तो देखो उसको तो हम कंसिडर करेंगे. बट यहां पर लड़की को भी पता है कि हाँ जो लड़का है वो अनमैरिड है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? सो इस केसेस में आप जो है ऐसे केस नहीं फाइल कर सकते जो भी केस कर रेप करें. सो ऑलवेज कीप इन माइंड व्हाट वी हैव टू कंसिडर इज कि
जो गर्ल है वो कौन सी सोसाइटी में लिव इन करती है, क्या स्टेटस है, क्या उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, ऑल दीज फैक्टर्स कम्स इनटू कंसिडरेशन. नंबर वन, वेदर द गर्ल इज इलिटरेट और नॉट. इफ शी इज इलिटरेट देन हम जो है देखेंगे कि हाँ अगर वो इलिटरेट है उसको नहीं पता है कि इस एक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, देन विल गिव विल बी इन फेवर ऑफ अ गर्ल, बट अदरवाइज नॉट. So I hope this is clear to you. Always keep in mind that if such a situation rises, we have to see that whether the girl who is entering into such a relationship, whether she is aware that whatever she is doing is right or wrong, whether she is having the mental capacity or the knowledge of whatever is happening with her. So agar ye sari cheeze hain, girl educated hai, usko sari knowledge hai, sab kuch hai, to yahan par jo hai girl bilkul bhi ek case jo hai file nahi kar sakti. Now you all must be thinking ki Chavi ne case to bata diya, Chavi ne facts bhi bata diye. क्या एक्चुअल में लॉ पॉइंट है अभी वो भी बता दिया, लेकिन केस का नाम क्या है. ओके, सो द नेम ऑफ द केस इज राधा कृष्ण मीना वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. आई एम रिपीटिंग द केस वंस अगेन. द केस इज राधा कृष्ण मीना वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. आई होप द सिचुएशन रिगार्डिंग दिस केस इज क्लियर इन योर माइंड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.